नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। आपकी टॉप 10 की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर यूपी को खुशहाल बनाएं। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत का नया कीर्तिमान। पीवी सिंधु ने सिंगापुर में लहराया तिरंगा। यूपी में 10 आईपीएस और 5 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर। नवीन जिंदल की सुरक्षा में तैनात पीसीआर वैन पर हमला। दिल्ली में नियंत्रण में है कोरोना की स्थिति। फल मंडी में आग लगने से 7 दुकानें जली। अफेयर के ऐलान से भावुक अपील तक जाने सुशललित के रिश्ते में अब तक क्या हुआ। सरयू नदी की रेत में मिला चांदी का 30 किलो वजनी शिवलिंग। सर्वदलीय बैठक जारी, पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद। अब खबरें विस्तार से। भूगर्भ जल सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के गांव-गांव में भूजल संरक्षण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन बनाने की बड़ी तैयारी की। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को गति देते हुए 5 कालिदास मार्ग से डिजिटल भूजल रथ को फ्लैग ऑफ किया। देश में रविवार को कोरोना टीकाकरण का नया कीर्तिमान स्थापित हो गया। रविवार को कुल टीकाकरण की संख्या 2 अरब पहुंच गई। इसके साथ ही भारत अपने देश की आबादी को 2 अरब से ज्यादा डोज देने वाला दूसरा देश बन गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया है। पीवी सिंधु ने 3 सेट तक चले फाइनल मैच में चीन की वांग जी यी को 21-9, 11-21, 21-15 से मात दी। इस साल यह सिंधु का चौथा खिताब है। इससे पहले वो सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन में 2 सुपर 300 खिताब जीत चुके हैं। कन्नौज में धार्मिक स्थल पर मांस के टुकड़े फेंकने के बाद हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में कन्नौज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। दोनों को प्रतिक्षारत रखा गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निष्कासित किए गए नवीन जिंदल की सुरक्षा में तैनात पीसीआर वैन पर शनिवार रात अज्ञात लोगों ने हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। रविवार सुबह जिंदल ने फोटो सहित ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्लीवासियों को ढांस बंधाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना एरिया स्थित फल मंडी में शनिवार रात आग लग गई। रिहायशी इलाके में फल मंडी होने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आम, अनार, मौसमी, पपीता आदि फलों की 7 दुकानें जल गई। बीते दिन बॉलीवुड एक्टर सुष्मिता सेन और ललिता मोदी के रिश्ते के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार इन दोनों की तस्वीरें और कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। दोनों के रिश्ते की खबर सामने आने के बाद से ही कई लोग हैरान हैं, तो वहीं कई अब तक इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच यूपी के मऊ जिले में सरयू नदी पुल के नीचे रेत में 30 किलोग्राम का चांदी का शिवलिंग मिला है। चांदी के शिवलिंग का मिलना लोग चमत्कार मान रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले आई। बाद में आचार्य उसे मंदिर लाए और उसका रुद्राभिषेक किया। संसद के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में भाजपा के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय संसदीय कार्यालय मंत्री प्रह्लाद जोशी कर रहे हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।